नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लकी कुमार है। आप मेरे चैनल लकीज गार्डन पे बने हुए हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये जो रोज की कटिंग है, आप इसको कैसे ट्रांसप्लांट करें, मतलब तो कैसे गमले में या कहीं लगाएं। ये मैंने 2 रोज की कटिंग लगाई थी, ये सक्सेसफुल हो गई है। मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई है रोज की कटिंग की, तो आप वो तो सॉरी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास रोज की कटिंग है ऐसी, तो आप ट्रांसप्लांट कैसे करें। तो ट्रांसप्लांट करने के लिए आपको ये सिंपली ये है, तो आपको एक मैंने पॉट लिया है 10 या 8 इंच का है, और इसमें मैंने एक छेद कर लिया है, देख सकते हैं आप। और उस छेद को मैं ये जो कोकोपीट्स के नारियल के छिलके होते हैं, मैं उनसे वो तोपूंगा। तो ये मैं तोप लिया हूँ, अब मैं इसमें मिट्टी डालूंगा। तो मैं मिट्टी डाल के रखता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने मिट्टी डाल लिए है, मैंने इतना मिट्टी डाली है, वो दिखाई दे रही होगी, मैंने इतनी मिट्टी डाली है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी रोज की कटिंग है, मैं अब इसे निकालूंगा। ये मेरी रोज की कटिंग सक्सेसफुल हो गई है, मैं इसे चमकी के हिसाब से निकालता हूँ। ये चमकी में मैंने डाला था, तो मैंने चमकी को काट दिया है। ये एक रोज की कटिंग, और ये मैं दूसरे भी निकालता हूँ। दूसरे सिंपली निकाल दे चमकी को फाड़ने की जरूरत। तो मैं इसके रूटिंग बॉल को हटाऊंगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जो मिट्टी होती है इसको मैं हटाऊंगा। आप नहीं भी हटा के कर सकते हो, ब्रेक डाल सकते हो। मैं डाल ही देता हूँ, ये तो रूट्स कट हो जाएंगे, लेकिन मैं करता हूँ, देखता हूँ। ये रहे इसके रूट्स। तो मैं दूसरे को तो नहीं निकालूंगा, क्योंकि इसके रूट्स हल्के डैमेज हो रहे हैं निकालने में, तो मैं इसी पे इसको हटा देता हूँ। जैसा मैंने आपको दिखाया कि मैंने इसे निकाल लिया, तो इसके हल्के रूट डैमेज हो गए। मैं इसे निकालूंगा नहीं, और मैं इसे इसी तरह डालता हूँ। आपको जैसा मैंने बताया कि इतने मिट्टी डालने थे, देखिए इतने मिट्टी डालने थे। अब मैं क्या करूँगा, इस जो प्लांट को है इसके ऊपर इस तरीके से रख दूंगा। तो मैं कैमरा को अपने गमले के पास लेके आता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इतने मिट्टी डाले, और ये जो मेरे रोज के प्लांट है, मैं इसे इस प्रकार से अच्छे से रख दूंगा इस पर बस। और ये दूसरे को मैं दोनों एक ही में लगा रहा हूँ, बाद में मैंने बड़ा हो जाए तो ट्रांसप्लांट करूँगा। इसे भी मैं इस प्रकार से रख दूंगा, और इसके मिट्टी डाल दूंगा साइड से। जो मैं नीचे कोकोपीट के छिलके डाला हूँ, आप उसके जगह ईंटें भी डाल सकते हैं, गिट्टी भी डाल सकते हैं, दिए भी डाल सकते हैं, लेकिन वो अच्छे रहते हैं, वो ड्रेन करने में थोड़ी प्लांट्स को फायदा देते हैं, इसलिए मैं वही डाला। और जैसे आप रोज की कटिंग लगाएं, तो इसमें फ्लावर अभी आए थे कुछ दिन पहले, ये रेड कलर के रोज हैं दोनों, इसमें आए थे, लेकिन अब थोड़ी इसमें नहीं आ रही है। तो मैं उसका भी एक उपाय बता रहा हूँ आपको, ये रोज की कटिंग को जल्द से जल्द ग्रो कैसे करें, वो मैं इसके अगले वीडियो में आपको बताऊँगा, इस वीडियो में नहीं बताऊँगा,
उसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, जैसे मैंने आपको बहुत सारे प्लांट पे बताया रोज की कि तेज़ी से ग्रो कैसे करें। अगर आपने वो अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर ऊपर आई बटन में भी उसका वीडियो दिया हुआ है और अंत में भी उसका वीडियो आएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो मैं इस गमले को पहले भर लेता हूँ फ्रेंड अच्छे से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने ये लगा दिया है ये पौधा। ये मैंने अब इसमें वाटरिंग नहीं किया, मैं इसमें वाटरिंग शाम को करूँगा, अभी धूप का समय है। तो आप सुबह लगाते हैं तब तो वाटरिंग कर दीजिए, शाम को भी लगाते हैं तो वाटरिंग कर दीजिए। दोपहर में लगाइएगा तो वाटरिंग कभी नहीं करना चाहिए, कोई भी प्लांट पे लगाइए या इसी तरह पानी नहीं डालना चाहिए। तो अब मैं इसको जैसा आपको मैंने बताया कि ये इसमें आए थे फ्लावर, लेकिन अब इसमें फ्लावर आना बंद हो गए हैं। तो अब इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए मैं अगले वीडियो में आपसे आपको बताता हूँ। तो अगले वीडियो में इसके बाद ही जस्ट वो वाला वीडियो पोस्ट करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वो वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद भी आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मुलाकात होती है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।